घटना के बारे में पीड़ित पक्ष मोहम्मद निशार हैदर ने बताया कि उनका घर फलका थाना क्षेत्र के भरसिया गांव का है। वर्तमान में जूता चप्पल बेचने का व्यवसाय करते हैं। 10 दिसंबर को वो अपने परिवार के साथ कटिहार से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान कोतवाली पुल के पास मालिक अस्तर उन्हें रोककर बोला कि उस पैसे को भूल करके केस वापस उठा लो और 5 लाख रुपए रंगदारी दो, नहीं तो पूरा परिवार सहित तुमको गोली मार देंगे। 11 दिसंबर के दिन लगभग 2 बजे वो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, तभी 3 व्यक्ति हथियार से लैस होकर के आए और बोला कि तुमको बार बार कहा जाता है कि 5 लाख रुपए रंगदारी के दो, तो तुम सुन नहीं रहे हो। उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे। इस घटना को देखकर आसपास के दुकानदार वहां पहुंचे, जहां उन लोगों को देख करके वो तीनों व्यक्ति वहां से फरार हो गए। इस घटना को लेकर बुधवार को पीड़ित व्यक्ति आवेदन देने के लिए एसपी के पास पहुंचे थे। हम यहाँ पे मिलने आए हैं कि मालिक अस्तर हमसे 10 लाख रुपया उधार लिया था, जिसके एवज में चेक दिया और चेक उसका बाउंस कर गया, जिसके इसमें कि फलका में केस दर्ज करवाए हैं। केस संख्या 352/2023, सुपरविजन में भी केस को सत्य पाया गया, अनुसंधान में गिरफ्तारी आदेश निकला हुआ है, उसके बावजूद वो खुलेआम घूम रहा है। अभी 10 तारीख को हम परिवार के साथ यहाँ से कटिहार से जा रहे थे, तो कोलासी के पास वो 2-3 लोग के पास के साथ मिल के गाड़ी रोक लिया और धमकी दे रहा है कि वो केस वापस ले लो, और वो पूर्व में भी 5 लाख का रंगदारी मांग रहा था, तो रंगदारी दो नहीं तो गोली मार देंगे। वो हुआ, उसके बाद फिर 11 तारीख को हम अपने दुकान गेराबाड़ी में बैठे थे, तो तकरीबन 2 बजे वो ब्लैक कलर का एक्सयूवी से 3-4 लोग के साथ आया और धमकी देने लगा कि केस तुम अभी तक वापस नहीं उठाए हो और रंगदारी दो नहीं तो गोली मार देंगे। तो जब हम हल्ला करने के लिए उठे तो कमर से पिस्टल निकाल लिया, जिसमें अगल बगल वाले भी आए, तो हम अपने थाना प्रभारी को जानकारी दिए, तो वो उन्होंने उल्टा हमें बोला कि आप दुकान कुछ दिन के लिए बंद रखिए, कहीं आना जाना अभी नहीं करिए। और वो खुलेआम फलका में केस होने के बाद फलका वगैरह सारा जगह घूम रहा है और उस पर गिरफ्तारी आदेश भी निकला हुआ है, उसका मनोबल बढ़ा हुआ, वो अपराधी प्रवृत्ति का है। एसपी सर से मिले, क्या सोचे मिले कि हम जांच कर रहे हैं, हम गिरफ्तारी उसका करवाएंगे आगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारा हत्या होने से पहले वो खुलेआम धमकी दे रहा कि उस पर कार्रवाई हो, जब केस सत्य पाया गया उसके बाद बावजूद वो खुलेआम घूम रहा है और गोली मारने का धमकी दे रहा है। क्या नाम है उसका? उसका मालिक अस्तर उर्फ हीरा खान, पिता जियाउर रहमान, घर रंगपुरा, थाना मीरगंज, जिला पूर्णिया का रहने वाला है। क्या करता है वो? कुछ नहीं है, वो उसका जो मेन काम है, सबको पता है कि वो बाहर से शराब और स्मैक वगैरह लाकर सप्लाई करता है और यही उसका मेन काम है। क्या नाम है? मेरा नाम निसार हैदर, घर भर से हम भरसिया से हैं, फलकाता नाम पड़ता है, जिला कटिहार रहने वाले हैं। शादीशुदा? जी शादीशुदा, परसों जो रोका था तो हमारी वाइफ थी और 4 साल का बेटा था, उसके सामने में हथियार निकाल लिया, गोली मारने का धमकी देने लगा। चार चार